नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, उसमें दोस्तों आज हम हमारे सातवें प्रैक्टिस सेट को हल करने वाले हैं। और ये होगा दोस्तों हमारे राजस्थान जीके और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि इससे पहले भी हम कुछ प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, और इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, वो आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 प्रैक्टिस सेट टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। हिंदी के टॉपिक और इंग्लिश के टॉपिक तो दोस्तों हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेके आएंगे, और हर एक टॉपिक से आपके 100 प्रश्न होंगे। और राजस्थान जीके और करंट अफेयर के दोस्तों ये मिश्रित प्रश्न आएंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। अब रही एग्ज़ाम की बात दोस्तों, तो किसी के दोस्तों बातों में आप मत आइएगा कि कब भी एग्ज़ाम होने वाला है। आप सीधा सा एक ही आपका टारगेट है, जो है दिसंबर। दिसंबर महीने को टारगेट लेके चलिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है कि दोस्तों आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपने सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कर लिया है तो उसके साथ प्रैक्टिस सेट को पढ़ते रहिए। और जो भी आप एक ही बुक पढ़ें, भले आप कोई भी पढ़ें, हिंदी की एक ही बुक पढ़ें, इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ें, तो वो एक ही पढ़ें। इनके लिए कोई स्पेशल बुक ऐसी कोई है भी नहीं, तो एक ही बुक पढ़ें दोस्तों। जो भी आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते रहिए। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में से बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो, प्रश्नों के वीडियो आते रहते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के किस जिले से जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो ये दोस्तों राजस्थान के किस जिले से हुआ? ये हुआ दोस्तों राजस्थान के बीकानेर जिले से। विकल्प ब इसका सही उत्तर है। और जसनाती संप्रदाय की बात करें दोस्तों, तो जसनाती जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों कतरियासर में। कहाँ पर? कतरियासर। और ये कतरियासर कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। और दोस्तों जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं, ये दोस्तों 36 नियमों को पालन करते हैं। कितने नियमों का? 36 नियमों का पालन करते हैं। और जो अग्नि नृत्य है, उसका संबंध है दोस्तों किससे? जसनाती संप्रदाय से। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है हमारे दो नंबर प्रश्न, बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है। तो बच बारस का त्यौहार दोस्तों कब मनाया जाता है? बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण की द्वादशी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण की द्वादशी को। विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारे तीन नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सी है जो खारे पानी की झील नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है के बारे में हमें पूछा है। तो जो खारे पानी की झीलें हैं, उसकी एक दोस्तों एवरग्रीन शॉर्ट ट्रिक है, पहले भी आपने ये सुनी होगी, तो वो है दोस्तों साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। क्या है दोस्तों? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो इससे आप जो भी जितने भी खारे पानी की झीलें हैं, इसको इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, अब यहाँ फा अड़े रे, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। और जितनी भी ये है, इस एक ही नाम में दोस्तों पूरे खारे पानी के जिले आ जाती है। अब दोस्तों सा से आती है, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा ये सांबर, सांबर आ गई। डी से दोस्तों ये आती है डीडवाना। क्या आती है? डीडवाना। का से आती है कौन सी दोस्तों? कावोद। प से आती है पचपदरा। लू से आती है लूनी। कू से आती है दोस्तों कुचामन। ता से आती है ताल छापर। फा से आती है दोस्तों यहां पर है जो ये आपको दिख रही होगी यहां पर फलोदी। यहाँ पर ब ऑप्शन में फा से आती है फलोदी। डे से आती है दोस्तों डेगाना।
और र से आती है रेवासा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो इस शॉर्ट ट्रिक में दोस्तों खारे पानी के सभी जिले हैं, तो इनमें से दोस्तों जो कोलायत झील है, तो कोलायत झील खारे पानी की नहीं, ये एक मीठे पानी की झील है। और कोलायत में दोस्तों बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है, ये पड़ता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को, तो कोलायत से इस जानकारी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर सा से है सांबर, डी से है दोस्तों डीडवाना, का से कावद, प से है दोस्तों पचपदरा, ल लू से है लूणी, कु से कुचामन, ता से ताल चाफर, फा से फलुदी, डे से डेगाना, र से रेवासा। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी खारे पानी की झीलें। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प द, यानी जो कोलायत झील है ये मीठे पानी की झील है, ना कि खारे पानी की झील। अगला है चार नंबर प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इनमें से दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रमुख जो शिल्पी था वो था दोस्तों मंडन। कौन? मंडन, विकल्प अ इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मंडन को ध्यान रखिएगा, मंडन कुंभा के प्रमुख सूत्रधार थे और ये वास्तुशास्त्र के प्रख्यात पंडित और शास्त्र पढ़नेता थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? ये थे मंडन, विकल्प अ इसका राइट आंसर है। अगला है पाँच नंबर प्रश्न, जोधपुर में महामंदिर किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? यानी जोधपुर में महामंदिर नामक स्थान पर किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो यहाँ पर है दोस्तों नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी, द विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला है छः नंबर प्रश्न, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, तो बताइए दोस्तों शीशफूल आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों आसान सा प्रश्न है, तो ये है इसका सही विकल्प है, जो ऑप्शन अ दिख रहा है आपको, विकल्प अ, सिर में, सिर पर दोस्तों ये पहना जाने वाला आभूषण है, कौन सा? शीशफूल, विकल्प अ इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है सात नंबर प्रश्न, किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस दोस्तों मनाया जाता है भारत में 25 जनवरी को, ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बनता है। और दिवसों से संबंधित दोस्तों एक ना एक प्रश्न तो आपके 101% दोस्तों छपेगा, जो दिवस जितने भी है आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उन सभी को याद कर लीजिएगा। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, विकल्प अ इसका राइट आंसर है। अगला आठ नंबर प्रश्न दोस्तों कि सोनार किला स्थित है, तो सोनार किला कहाँ स्थित है दोस्तों? सोनार किला है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में, कहाँ पर है? जैसलमेर ज़िले में। और इस किले को सोनार किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये मुख्यतः पीले पत्थरों से बना है, और जब राजस्थान के जो जैसलमेर ज़िला है इसमें आप सभी जानते हैं ये एक शुष्क ज़िला है, और यहाँ पर जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब ये सोने के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इस किले को सोनार किला कहा जाता है, और ये है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में। और दोस्तों बात करें सोनार किला, अगर पूछे कि किस श्रेणी का दुर्ग है या किला है, तो ये है दानवन श्रेणी का दुर्ग। अब दानवन श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है? यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है, उस दुर्ग को दानवन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो विकल्प अ है वह इसका राइट आंसर होगा। और एक चीज़ और दोस्तों कि हम थोड़ा स्पीड से प्रश्नों को हल कर रहे हैं, क्योंकि अब दोस्तों लगभग हम 50 प्रश्नों को इसमें पूरे व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं, और इसी कारण वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो जाएगा। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को लगभग आप एक घंटा दे सकते हो, और रोज़ाना इस चैनल पर आपके लिए अपलोड होते रहेंगे ये वीडियोस, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। तो आप अगर इसे धीमे गति से देखना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप इसको स्पीड को कम कर सकते हो, आपको पता होगा तीन डॉट है उसमें जाकर, स्पीड में जाकर दोस्तों आप 0.5 स्पीड से भी इसको देख सकते हो। तो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारे नौ नंबर प्रश्न, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? तो सबसे पहले यही प्रश्न बनता है दोस्तों कि ललित विग्रहराज है, इसके रचयिता कौन है? तो जो इसके रचयिता है वो कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव। और ये किस दरबार के शासक थे, किसके दरबारी जो कवि थे?
ये थे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के, किसके विग्रहराज चतुर्थ के, स विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला है 10 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय बड़ी जनजाति है। तो राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है मीणा जनजाति, उसके पश्चात सेकंड नंबर पर जो स्थान है वो है भील जनजाति का। ध्यान रखिएगा सबसे पहले मीणा जनजाति है, उसके पश्चात नंबर आता है भील जनजाति का, और जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गरासिया जनजाति। ध्यान रखिए अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहली और दूसरी को न पूछते हुए हमें तीसरा पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 11 नंबर प्रश्न कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव है वो मनाया जाता है किस पंथ द्वारा या किस संप्रदाय द्वारा, ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। किसके द्वारा? राम स्नेही पंथ द्वारा। और जो फूलडोल उत्सव है या फूलडोल जो मेला है ये दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में ये उत्सव आयोजित होता है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, कब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दोस्तों पंचमी तक, प्रतिपदा से पंचमी तक इसका आयोजन होता है। तो स विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, वीर तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें वीर तेजाजी की, तो इनका जन्म आप सभी जानते हैं दोस्तों कि खरनाल नागौर में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पेमल था। हमें प्रश्न में पूछा है क्या, यहाँ पर पूछा है दोस्तों घोड़ी का नाम। तो दोस्तों आपने एक लोकगीत है जो प्रसिद्ध लोकगीत है कि लीलन सिणगारी, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? लीलन। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है हमारे 13 नंबर प्रश्न, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न। गढ़सीसर जो सरोवर है वो है जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। स इसका राइट आंसर होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है दोस्तों बूंदी को। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बावड़ियाँ है, इसलिए इस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो स विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। अब प्रतीक या फिर दोस्तों कहीं पर आपको दिख सकता है एक शब्द है जो है शुभंकर। तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं 33 जिले हमारे, इन सभी शुभंकरों को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, और इस पर एक वीडियो भी बनाया गया है, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। सभी जिलों के शुभंकर चित्रों के साथ दोस्तों इसको आप आसानी समझ सकते हो। आपको भी आई बटन दिख रहा होगा, इसमें जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें सभी जिलों के शुभंकर पूरे चित्रों के साथ बताए गए हैं। तो हमारा प्रश्न है इसमें दोस्तों कि मोर है वो किस जिले का प्रतीक है या फिर शुभंकर है। तो जो मोर है दोस्तों वो है भीलवाड़ा जिले का। किस जिले का? भीलवाड़ा जिले का। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर है। और अजमेर की बात करें दोस्तों, तो अजमेर का एक खरमोर, अजमेर का जो प्रतीक या फिर शुभंकर है वो क्या है? खरमोर। भीलवाड़ा का मोर हो गया। दौसा की बात करें दोस्तों, तो दौसा का क्या है? खरगोश। दौसा का है खरगोश। और हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। तो ब विकल्प इसका राइट आंसर है, यानी जो मोर प्रतीक है या फिर जो मोर शुभंकर है वो है भीलवाड़ा जिले का। अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो वीर तेजाजी पशु मेला है ये आयोजित होता है दोस्तों कहाँ पर? पर्वतसर में आयोजित होता है। और पर्वतसर कहाँ पर है? पर्वतसर है दोस्तों नागौर में। द विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला 17 नंबर प्रश्न, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो पूछ सकते हैं दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। द विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न, राजस्थान में
कजली तीज का मेला यह त्यौहार प्रसिद्ध है। तो ये त्यौहार प्रसिद्ध है दोस्तों बूंदी का, कजली तीज का मेला यह त्यौहार दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। ब विकल्प इसका सही उत्तर है। और सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए जो कजली तीज है इसकी जो तिथि है दोस्तों हिंदू माह की, वो तिथि भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये आती है दोस्तों भाद्रपद मास में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये दोस्तों कजली तीज मनाई जाती है। ब विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है 19 नंबर प्रश्न, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो दोस्तों संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़। कौन सा था यहाँ पर? मेवाड़। ब विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इनमें से दोस्तों गेहूँ, जौ और मसूर, ये तो रबी की फसल है, और ये जो चावल है ये दोस्तों खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ की। और रबी की फसल ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और फरवरी मार्च में इसकी कटाई होती है। तो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है इसकी फरवरी मार्च में। तो अ विकल्प इसका सही उत्तर यानी चावल है जो क्या है? खरीफ की फसल है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा है जो कृषि आधारित उद्योग है जो नहीं है? हमें नहीं के बारे में पूछा है दोस्तों। तो जो खाद्य तेल है ये तो कृषि आधारित है, ये आप सभी जानते हैं, सोयाबीन या फिर मूंगफली जो तेल होता है दोस्तों वो कृषि से ही हमें प्राप्त होती है। खांडसारी, अब ये खांडसारी क्या है? ये एक प्रकार का गुड़ ही है दोस्तों, और गन्ने की खेती के द्वारा इसको बनाया जाता है। पापड़ भुजिया, ये भी दोस्तों जैसे उड़द दाल है या मूंग दाल है उससे पापड़ और भुजिया का निर्माण होता है, तो ये भी कृषि आधारित है। यहाँ पर जो सीमेंट है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो द विकल्प इसका सही आंसर है, हमें नहीं के बारे में पूछा था। अगला 22 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ पर दोस्तों इसका अभिप्राय है क्या? काजरी से। अब यहाँ पर नाम दे दिया आपको केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो इंग्लिश में भी दोस्तों आपको मिलेगा वैसे तो पेपर, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो अब ये प्रश्न पूछा है कि ये कहाँ पर है, ये नहीं पूछा, यहाँ पर सीधा पूछ लिया कि इसकी स्थापना या फिर गठन कब किया गया था। तो इसका गठन दोस्तों किया गया था कब? 1959 में। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। तो जो स विकल्प है इसका सही उत्तर है। तो इसके फुल फॉर्म को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा और ये कहाँ पर है इसको ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है 23 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान के कितने जिलों में जो थार रेगिस्तान है वो फैला है? ये जो थार का रेगिस्तान है दोस्तों, जो मुख्यतः पश्चिमी जो राजस्थान के जिले हैं, जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं इनमें दोस्तों फैला है, और 12 जिलों में दोस्तों इसका विस्तार है। और इस थार रेगिस्तान का दोस्तों जो 95% हिस्सा है, 95% हिस्सा है ये तो है कहाँ पर? भारत में। और जो पीछे 5% बसता है दोस्तों ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 95% हिस्सा कहाँ पर है? भारत में, और 5% है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। तो द विकल्प इसका राइट आंसर है यानी कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला है या विस्तृत है, ये है 12 जिलों में। द विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो जो यहाँ पर सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है, ये राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, और सूरतगढ़ से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। तो अ विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की
कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। तो इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना है जिसका विद्युत परियोजना का लाभ केवल राजस्थान को ही मिलता है। तो इनमें से दोस्तों जो माही परियोजना है, कौन सी माही परियोजना, ये दोस्तों राजस्थान की ही परियोजना है और इससे जितना भी विद्युत उत्पादित होता है वो केवल राजस्थान को प्राप्त होता है। और बात करें इसके विद्युत उत्पादन की तो 140 मेगावाट क्षमता है इसकी दोस्तों विद्युत उत्पादन की, और ये 1986 से ये संचालित है। और माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट भारत में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है। कहाँ पर है दोस्तों ये परियोजना, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो स विकल्प है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका जो विद्रोह यहाँ पर हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। और जो इसके नेतृत्व करता थे, एक तो थे दोस्तों जयदयाल, एक और थे दोस्तों मेहराब खां। तो मेहराब खां भी दोस्तों कहीं पर आपको दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला है 27 नंबर प्रश्न, बेहद ही शानदार प्रश्न, कि निम्नलिखित में से वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी अवस्थिति से मिलाइए। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या देर का 1 2 3 4, तो हम भी इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 लिख देते हैं। और देखिए आप यहाँ पर देखिए कि हमें सबसे पहले कौन सा आता है। अगर यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर नज़र डालें तो जो ताल छपर दिख रहा है, तो ताल छपर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, चूरू में। और कृष्ण मृग के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं काले हिरणों के लिए। तो 4 के नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बी विकल्प है वो। तो यहाँ पर देखिए अब 4 नंबर और बी विकल्प किस में दिख रहा है, केवल ऑप्शन स में और द में, यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए आपके क्या, एलिमिनेट। और स और द में से कोई एक विकल्प सही होगा। अब देखिए 50% आपने इस प्रश्न को हल कर दिया। अब और देखें कि इनमें से अगर नज़र डालें दोस्तों सरिस्का की, किसकी, सरिस्का पर नज़र डालें तो सरिस्का कहाँ पर है दोस्तों, ये है कहाँ पर, अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में। तो 5 के नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी, 5 के नीचे आ जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प स है वो ही इसका राइट आंसर होगा। तो यानी एक में जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है जो कि दोस्तों हाल ही में चौथा दोस्तों अभ्यारण्य बना है, बाघ अभ्यारण्य बना है, आपको ये पता होगा दोस्तों जानकारी कि जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है जो बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में, ये चौथा बाघ रिजर्व अभ्यारण्य बना है। तो एक में सी आ जाएगा। जो जवाहर सागर है वो जवाहर सागर कहाँ पर है, ये है कोटा में, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। और जो वन विहार है तो ये वन विहार है कहाँ पर, धौलपुर में, तो ए। तो सी ई ए बी डी वो है विकल्प स में, विकल्प स इसका राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है अब 28 नंबर प्रश्न, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है। यह भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इनमें से कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग होता है बीड़ी के निर्माण में, तो जो दोस्तों तेंदू का पत्ता होता है इसमें दोस्तों तंबाकू भरकर बीड़ी का निर्माण किया जाता है। तो स विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 29 नंबर प्रश्न, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो जो गजनेर अभयारण्य है ये है बीकानेर में, ब राइट आंसर। अगला 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। तो ये थारपारकर मुख्यतः जो थार मरुस्थल है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कौन से जिले में, पश्चिमी जिलों में, तो यहाँ पर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तो अ विकल्प इसका सही उत्तर है।
अगला 31 नंबर प्रश्न है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है, तो इनमें से कौन से जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर देखें लाल दोमट मिट्टी की, तो ये दोस्तों मुख्यतः राजस्थान के चार जिलों में पाई जाती है। इन चार जिलों की बात करें तो ये चार जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। इन चार जिलों में दोस्तों लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो जो हमारे विकल्प है इनमें से दोस्तों जो डूंगरपुर दिख रहा है हमें, तो इनमें से डूंगरपुर जो जिला है यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। स विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 32 नंबर प्रश्न, नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है। तो नाथरा की जो पाल है वो सबसे पहले बात करें दोस्तों को किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है लो अयस्क के लिए। किसके लिए? लो अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध खान है और ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ब विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 33 नंबर प्रश्न, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का ये भाग है। तो किस विभाग का भाग है दोस्तों लूनी बेसिन? तो लूनी बेसिन भाग है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार का। किसका दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठार का। और लूनी बेसिन जो है ये गोडवाड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? गोडवाड़ क्षेत्र। तो द विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा। यह भी अच्छा शानदार प्रश्न दोस्तों। तो जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको संतों का शिखर कहा था। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर है और है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। विकल्प स इसका राइट आंसर है। अगला है 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न और बेहद ही आसान सा प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, बताइए दोस्तों कौन सा स्थान है। तो ये है कौन सा स्थान? सातवां स्थान। सातवां स्थान होगा सही उत्तर। विकल्प स राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है रूस का। किसका है दोस्तों? रूस का। और अब क्षेत्रफल यहाँ पर दिख रहा है आपको। और प्रश्न एक और बनता है कि विश्व का कितना भाग भारत के पास है। तो 2.4% जो हिस्सा है विश्व का वो किसके पास है दोस्तों? भारत के पास। और क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किमी। ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किमी, वर्ग किलोमीटर। तो स विकल्प इसका सही आंसर है। और इन सभी के बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा आप भी। प्रश्न एक और बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, ये भी आसान है। तो सेकंड है। कितना है? कौन सा है दोस्तों? सेकंड। तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है चाइना। स विकल्प इसका सही उत्तर है 35 नंबर प्रश्न का। अगला है 36 नंबर प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों भारत में यहाँ पर ये अच्छा प्रश्न बनता है, शानदार प्रश्न है। तो कहीं कहीं पर आपको चॉइस दिख रहा होगा, लेकिन पढ़ा भी होगा आपने चॉइस, लेकिन चॉइस नहीं है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो है 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है और जो 25वां उच्च न्यायालय है ये दोस्तों 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ था। 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी अमरावती में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ध्यान रखिएगा ब विकल्प राइट आंसर है। अगला 37 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ये भी शानदार बेहद ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है केरल की।
केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यहाँ पर दोस्तों 96.20% लोग साक्षर है, तो सर्वाधिक किसकी है? केरल की। 96.20% लोग यहाँ पर साक्षर है। और जो सबसे कम है वो है बिहार की। बिहार में केवल 61.80% लोग ही साक्षर है। और एक और प्रश्न बन सकता है आपके यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है यूपी की, और सर्वाधिक जनसंख्या यूपी हो गई। और जो सिक्किम है इसकी न्यूनतम जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा सिक्किम की है न्यूनतम और यूपी की है दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक। तो जो सह विकल्प है इसका राइट आंसर है 37 नंबर प्रश्न का। अगला 38 नंबर प्रश्न, और यहाँ से आपके करंट अफेयर के प्रश्न कुछ स्टार्ट होते हैं कि हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस जिले में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये दोस्तों बीकानेर जिले में, कहाँ पर? बीकानेर में कलराज मिश्र द्वारा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन हुआ। अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला 39 नंबर प्रश्न, हाल ही में आई स्टार्ट राजस्थान के तहत किस जिले में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो जो राजस्थान का जयपुर जिला है, और जयपुर में भी दोस्तों जालना संस्थानिक क्षेत्र स्थित टेक्नो हब में, यहाँ पर ये जो ड्रोन एक्सपो 2022 है इसका आयोजन हुआ। तो जो जयपुर जिला है, जयपुर जिले में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ। अ विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 40 नंबर प्रश्न, वर्ष 2013 में अगला अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दोस्तों बेहद ही फेमस हो रहा है, और इसी कारण दोस्तों ये 2013 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर 2023 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है, एक 2023 है, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, तकनीकी खामी है यहाँ पर, थोड़ी ध्यान रखिएगा। जो 2023 है, जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है ये आयोजित होगा रोम में, इटली की जो राजधानी है, इटली की राजधानी रोम में ये आयोजित होगा। तो अ विकल्प है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? ये भी अच्छा प्रश्न। तो जो तरुषी राय है, तरुषी राय ने मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता। फर्स्ट रनर अप रही प्रियंका सेन, सेकंड जो रनर अप है वो रही परिधि शर्मा, और जो थर्ड रनर अप है वो रही रिया जाखड़। और ये इवेंट दोस्तों जयपुर के जो बिरला ऑडिटोरियल है, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियल में इसका आयोजन हुआ, इस इवेंट का आयोजन, यानी मिस राजस्थान 2022 का आयोजन। तो इसका सही उत्तर है वो तरुषी रॉय, ये बनी राजस्थान मिस राजस्थान 2022। अ विकल्प इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों करंट अफेयर के। अगला है 42 नंबर पर्सन, ये भी अच्छा पर्सन, 2022 में फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो मिला किसे? स्वांते पाबो को। तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, जो विकल्प अ दिख रहा है स्वांते पाबो, इनको मिला दोस्तों जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये 2022 का। अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। और एनी एंडनोक्स को दोस्तों साहित्य का जो नोबल है वो मिला एनी एंडनोक्स को, और एलएस बियालित्स्की को ये मिला शांति का नोबेल, शांति का नोबेल मिला एलएस बियालित्स्की को। तो यहाँ पर जो हमारे विकल्प अ है स्वांते पाबो, हमें पूछा फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल, ये मिला है स्वांते पाबो को, तो अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के दोस्तों भावनगर में, गुजरात में भी कहा भावनगर में
दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। तो अ विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला 44 नंबर प्रश्न, शानदार प्रश्न, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल से यहाँ पर अभिप्राय है दोस्तों महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के रूप में दोस्तों नियुक्त किसे किया गया है? ये किया गया दोस्तों आर वेंकट रमणी को। किसे? आर वेंकट रमणी को। 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया और ये जो स्थान लेंगे किसका? के वेणुगोपाल का। के वेणुगोपाल का ये स्थान लेंगे। तो जो सह विकल्प है वह इसका राइट आंसर है। अगला 45 नंबर प्रश्न, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा जाएगा। तो ये दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा नाम इसका रखा जाएगा। अविकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश मूल की पत्रकार जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये दोस्तों फहमीदा अजीम को दोस्तों अमेरिका की जो ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर, कौन सी? इनसाइडर के लिए काम करने के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो फहमीदा अजीम है इसका सही उत्तर। अविकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला है 47 नंबर प्रश्न, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होगा। शानदार प्रश्न दोस्तों। तो ये आयोजन दोस्तों 15 से 17 फरवरी को फिजी में आयोजित होगा। कहाँ पर? फिजी में। अ विकल्प सही उत्तर है। अगला 48 नंबर प्रश्न, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये भी बेहद ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न दोस्तों। तो जो पिच ब्लैक 2022 है ये आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और ये दोस्तों हमेशा ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है, 2 साल में एक बार। और इसमें दोस्तों विभिन्न देशों के सैनिक भाग लेते हैं और इसका आयोजन किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो अविकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। और इसमें बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस और जर्मनी इंडोनेशिया भारत जापान मलेशिया इन सभी देशों के दोस्तों सैन्य कर्मी इस पिच ब्लैक 2022 में शामिल थे। तो जो हमारे अविकल्प है वो इसका राइट आंसर होगा, विकल्प अ। अगला है दोस्तों हमारे 49 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न ये भी, पिछले कुछ समय से दोस्तों ये चर्चा में है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? अच्छा प्रश्न। तो नाटो 2022 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ दोस्तों मैड्रिड स्पेन में। कहाँ आयोजित हुआ? मैड्रिड स्पेन में। ब विकल्प इसका सही उत्तर होगा। नाटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा दोस्तों, नाटो यहाँ पर NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छा, और थोड़ा चर्चा में इसलिए पूछ सकते हैं आपको, तो जो ब विकल्प है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न, कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जो महिला एकल का खिताब है वो जीता किसने, इगा स्वीटेक ने। किसने जीता? इगा स्वीटेक ने। पोलैंड की है ये, कहाँ की है? पोलैंड की। तो अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न, स विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान के जीके का जो हमारे सातवां प्रैक्टिस सेट है। ये थंबनेल पर दोस्तों आपको इनका पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिस सेट अलग अलग आपके आएंगे और हिंदी और इंग्लिश के दोस्तों टॉपिक वाइज आएंगे, लेकिन जो जीके है हमारे और करंट अफेयर इसके शामिल ही प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर आते रहेंगे। और अलग प्लेलिस्ट बनी है राजस्थान हाई कोर्ट एडवाइस 2022 प्रैक्टिस सेट टेस्ट नाम से, आप उसमें जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम तक आपके अपलोड होते रहेंगे वीडियो। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम होगा बस हमें तैयार रहना है। तो धन्यवाद, ये वीडियो आपको पसंद आया अगर तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।